आज मैं जा रही हूँ, मतलब मेरा वैसे कोई प्लान नहीं था कहीं जाने का, बट मैं अभी अपने घर से निकल रही हूँ। मतलब मैं अभी लखनऊ वापस आ गई हूँ और मैं बस रूम से निकलने वाली हूँ। मेरी फ्रेंड का कॉल आया था कि आ जाओ 10:90 पे, और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करो 10:90 और बाकी सारी चीज़ें लखनऊ की। सो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी तो शाम हो गया, लाइक 5 बज गए, मैं अभी जा रही हूँ। मेरे को थोड़े बहुत सामान भी लेने थे, तो ठीक है आप लोग देखना 10:90 आप लोग कैसा लगता है। 10:90 वहाँ पे अम्बेडकर पार्क में बहुत सारी चीज़ें, तो आई डोंट नो मैं उसमें कहाँ कहाँ जाने वाली। और साथ में अगर मुझे कोई भंडारा दिख गया ना, तो मेरा मेन पर्पज़ ये था कि आज आखिरी मंगलवार है, और मतलब बड़े महीने का मंगलवार है, और मैं कभी भी ना सीरियसली कभी 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 ना मैं आज तक बड़े मंगलवार में कभी कुछ भी नहीं खाई हूँ। एंड शाम को 5 बज गया, तो पता नहीं लगा होगा कि नहीं लगा होगा, बट मैं सच में रिक्वेस्ट करती हूँ भगवान से, भगवान जी प्लीज़ लगाओ, क्योंकि मुझे सच में खाना है कभी बड़े मंगल का, तो फिर अगले साल मिलेगा यार। पता नहीं मैं यहाँ पे रहूँगी भी कि नहीं रहूँगी, मैं कहाँ रहूँगी, मुझे बहुत मन कर रहा है बड़े मंगलवार में कुछ खाने का। सो अब मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं निकल रही हूँ। और हाँ, पहली बार मैं रैपिडोज खरीदनी चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बोला कि जब तक तुम ऑटो और बाकी सारी चीज़ें करके नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें लोकेशन का पता नहीं चलेगा लखनऊ में। तो मैं आज ऐसे पूछ पूछ के लोगों से तब मैं जाने वाली हूँ। तो मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, मैंने अपना पर्स ले लिया है, पर्स में मैं अपने वाटर बॉटल रख ली, बाहर पानी मेरे को बहुत ज़्यादा प्यासा थी, गर्मी है, तो अभी भी चलो साथ में। मैं आ गई हूँ 10:90 पे, कितनी गाड़ियाँ खड़ी मेरे स्वागत में। ना भंडारे में मिल गया, मैं इतना भगवान जी से प्रे कर गई थी, भगवान जी मुझे प्लीज भंडारे में कुछ दिला दो, कुछ दिला दो। और ये देखो, मेरे को पूरी मिला, सब्जी मिला, हलवा मिला, और देखो ये मेरे को जगह मिल गई, ये जगह मिल गई। अब आराम से बैठ के पहले भंडारे का तो मस्त मजे लेती हूँ। मैंने बड़े मेहनत से ना, बड़ी मेहनत से मिला मुझे भंडारे का कुछ खाना, बैठ के खाती हूँ पहले, ठीक है। देख रहे हो आप लोग, देखो मैं देखती हूँ आप लोग ना, जैसे हनुमान जी को ले क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ऐसे राम जी का नाम अगर ले दो, हनुमान जी खुश हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा, प्रसाद मैं खा ले रही हूँ, ठीक है यार, बहुत बढ़ रहा है, मजा आ गया। मुझे सब यहाँ पागलों से देख रहे हैं, मैं रोड के बीचों बीच में पूरी गाड़ियाँ लगी है, ट्रैफिक लगी है, बैठ मत खा रही हूँ, आप लोगों से बात करी हूँ, सोचने दो क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा मेरे ससुराल साइड से, मुझे तो शादी भी नहीं लगी कहीं भी। बहुत तेज आंधी आ रही है, देखो और ये देखो ये वाला एरिया ना, मैं कभी आई नहीं थी यहाँ पे, 10:90 वाला बहुत अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है, मतलब मस्त। हवा तो गंदी है, मतलब बाहर गंदी है क्योंकि अंदर ना धूल नहीं है, बट मतलब मज़ा आ रहा है, ये देखो क्या व्यू व्यू है यार। यार ये वाला पत्थर मारने से पता नहीं।
देख रहे हो, ये गोमती नदी यहाँ पे देखो, पुल वगैरह देख रहे हो, ये ऐसे गंदा सा देखो, इसमें भी बैठने तो मज़ा आ रहा है। देखो ये देखो मैं कैसे बैठी हुई, एकदम मस्त यार, एकदम मज़ा आ रहा है, सुकून है यहाँ पे। ये गंदी नदी में बदबू भी नहीं आ रही है, सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है। ये देखो यार क्या व्यू है, ये देखो यार स्टोन लगे हुए। मेरे को डर लग रहा ना मेरा फ़ोन नीचे ना गिर जाए, बट गिर गया ना तो बहुत मतलब बहुत ऐसे मैंने सेक्रीफाइस किया। मैं अभी गिरी भी हूँ, मेरे पैरों में खून में चोट लगा, मेरे हाथ में चोट लगा। ये देखो ये नहीं दिख रहा ना, ये दिख रहा है, ये हाथ में चोट बहुत लगी है यार मेरे को, मैं बहुत गंदा गिरी हूँ। यहाँ पे देखो सब लोग ना अपना मस्त खाने पीने में से बिजी है। ये ना चटोरी करी है, मैं इसका एक दिन ब्लॉग ना प्रॉपर अलग से बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं अकेले मतलब देखो ये ना देखो चटोरी करी है, इसमें वैसे सुनसान इलाके पे ऐसे पेड़ के नीचे आराम से बैठ के मतलब मस्त कॉफ़ी पी रही हूँ, समाज से दूर, दुनिया से दूर। मेरी कॉफ़ी आ क्यों नहीं रही है, आई अच्छी बनाई है और मैंने बिना चीनी वाली ली, मतलब मस्त है यार। ठीक है भाई, बाय। तो देखो गैस मेरा सफ़र ख़त्म होता है और मैंने रैपिडो बुला लिया, रैपिडो वाले भैया ना मस्त चला रहे हैं, मतलब खराब लग रहा है, मस्त मज़ा आ रहे हैं।